Good morning all, it's good morning from Gujarat. Yes guys, welcome back to our YouTube channel guys. It's another day and it's another vlog guys. It's day 2. आज अपन है वडोदरा में. So आज का जो अपन यहाँ से trip start करेंगे, that will be from वडोदरा till अजमेर तक हमारा आज टारगेट है पहुँचने का. तो अपना मॉर्निंग हो गया है, आज सुबह 6 बजे हम लोग उठ गए थे. तो फिर थोड़ा कुछ रात को जो मैंने वीडियो रेंडर किया था तो उसको अपलोड करना बाकी था, तो आज अपना वीडियो भी अपलोडिंग हो गया है. सो आज का जो व्लॉग है अपना वो अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव होगा 10 बजे. सो पहले वो वाला व्लॉग देखना, उसके बाद जाके डे 2 का व्लॉग देखना, क्योंकि अपना पूरा रोड ट्रिप का जर्नी इसमें रहेगा. तो ऐसे ही बने रहना अपने वीडियो पे. सो अभी हमारा बैग सब पैकिंग ऑलमोस्ट हैज बीन डन. यहाँ पे देख रहे हो सब बैग पैक सब रखे हुए हैं, सब पैकिंग करके. और यहाँ पे हमारे शूज़ सब रखे हुए हैं. और कल आपने पूरा रूम टूर तो देखा होगा, ये सब हमारा फास्ट फूड आइटम्स है जो इजीली खाने के लिए एक्सेसिबल है. वो वाला नाश्ता हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है. यस गाइस, तो मैं आपको नाश्ते में दिखाता हूँ. यहाँ पे 3 बैटी हम लोगों ने ऑर्डर की और प्लस उपमा मंगाया हुआ है. सो यहाँ पे पहले हम लोग नाश्ता फिनिश करते हैं. और इसके अलावा मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ. लुक एट दिस सीनरी, दिस इज ब्यूटी. जो हम लोगों ने स्टे किया है इट्स नियर हाईवे ओनली. सो हमारा जो आज का ट्रिप स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ से ही हम लोग सीधा हाईवे से रूट कंटिन्यू करेंगे. हमको और 10 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर अंदर वडोदरा सिटी में दिखा रहे थे काफ़ी सारे होटल्स, बट हमको वहाँ पे जाना नहीं था क्योंकि सुबह निकलने के लिए फिर आधा एक घंटा निकल जाता है. अभी यहाँ से सीधा ट्रिप स्टार्ट करेंगे और डायरेक्टली अपन यहाँ के लिए आगे के रूट के लिए निकल जाएंगे. सो आनंद और इन लोगों ने तो नाश्ता स्टार्ट कर दिया. सो हाउ वाज द डे, कल का दिन कैसा लगा? कल का दिन बॉडी पेन था, बहुत बॉडी पेन था. क्या अभी भी निकल दे रहा बॉडी पेन? इसका क्या करेंगे, नहीं कर रहा. सो अपना पूरा बैग जैसा है और अपना इस गाड़ियों पर लोड करना है अभी. सो फटाफट लोडिंग कर दे और निकल दे. अपना अभी सबका गाड़ी लोड हो गया. हमने स्टे किया था होटल ग्रीन पार्क, यहाँ पे हम लोग ने स्टे किया था. आपने वहाँ से व्यू एंजॉय किया होगा. सो अभी निकल दे गाइस पटपट, क्योंकि अपने को अभी पहुंचना भी है. सी यू देन, बाय बाय. आई होप आपने मेरा इसके पहले वाला डे 1 का वीडियो देखा होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा. अभी अपना पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है, डे 2. एंड अपना डे 2 का जर्नी इट्स फ्रॉम गुजरात टू राजस्थान. तो आज अपन राजस्थान में हॉल्ट करेंगे और अभी एक्चुअली गाड़ी को पेट्रोल का ज़रूरत है. सो यहाँ से हम लोग पेट्रोल फुल करेंगे बिकॉज यहाँ पे पेट्रोल बहुत सस्ता है गुजरात में. सो बेटर है यहाँ पे हम लोग एक बार फुल कर ले और उसके बाद जैसे गुजरात क्रॉस करने के पहले बॉर्डर जो आएगा वहाँ पे भी हम लोग अलग से पेट्रोल फुल कर देंगे. सो गाइस एक बार पेट्रोल फुल करता हूँ फिर आपको मिलता हूँ. सो अभी अपन ने यहाँ पे पेट्रोल फुल किया. गुजरात में 98 लीटर पेट्रोल है. क्या यार मोदी गवर्नमेंट क्या करती है पता नहीं, बम्बई में महंगा कर दिया. चलो तीनों गाड़ी का फुल हो गया. चलो सर जी, यस थैंक यू. सो गाइस आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड. गाइस हमारा तो क्या मचा नहीं लाइफ, ये 15 दिन है ही, यही 15 दिन है हमको सुकून से जीने के. बाकी टाइम तो ऑफिस का हेड है. हम लोग सुबह सुबह निकले तो चैन ऑयल डाल दिया हम लोग ने तीनों के गाड़ियों में, इसके लिए थोड़ा अभी और रिलैक्स है. गाड़ी ही अपनी एक मेन पार्टनर है आपकी जो आपको ये रूट में साथ देती है, तो इसके लिए इसका मेन ख्याल रखो तो ये आपका ख्याल रखेगी बस. क्या बात है, क्या बात है. चलो इनको भी जाने देते, जाओ 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 संभाल के जाओ. गो सेफ, सेफ राइड, एकदम संभाल के जाओ. एज यू कैन सी दिस, ये आपको मुंबई में देखने नहीं मिलेगा. हाँ कितने देख, सब गाय, सब की सब गाय.
ये आपको बॉम्बे में नहीं दिखने मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ गुजरात में, सिर्फ गुजरात में दिखने मिलता है ये। चलो अपना सिग्नल हो गया है, ये संभाल के भाई, जाओ जाओ संभाल के जाओ। गो सेफ, ये क्या रास्ता तो सही है, अपन सीधा ही बता रहे हैं। हाँ और बाइक डाले मैंने वडोदरा इधर नीचे, रास्ता तो एकदम सही बता रहा है, बट इधर टू व्हीलर भी नॉट अलाउड लिखा है। हाँ वही तो, बट वो टू व्हीलर कैसे गए लेके, वो टू व्हीलर लेके कैसे गए दो लोग? हाँ एक्चुअली नहीं समझ रहा है रास्ता, और यहाँ से बाइक से ही रास्ता मैंने डाला है। थोड़ा आगे ले, वेलकम टू कौन सा है, कापड़पंच हाईवे, लाडवेल कापड़पंच हाईवे, गूगल भी यही रिकमेंड कर रहा है बेस्ट वे टू रीच अजमेर को। वीडियो के स्टार्ट में आपने देखा होगा मैंने कुछ ग्लिम्स शेयर किए थे ड्रोन के, तो मैंने यही हाईवे पे उसका ड्रोन शॉट लिए है आनंद और निखिल के, तो अपना एक बेसिकली सिनेमैटिक शॉट कंप्लीट किया। सो गाइज, पटेल दीप और पटेल भाई ने, ये दोनों भाइयों ने हमको थोड़ा अच्छे से नॉलेज दिया यहाँ का। यहाँ पे जो खेती आपको दिख रही है आजू बाजू में, दिस इज अपना मूंगफली का खेती है, मूंगफली और सोयाबीन का खेती है ये पूरा, तो दिस इज द स्पेशलिटी यहाँ पे, यही ज़्यादा करके यहाँ पे उगता है खेती। तो पीछे साइड राइस का खेती था, वो लोग वहाँ पे कर रहे थे गेहूं का खेती था पीछे, बट यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो लेन दिख रहा है आपको, ये पूरा मूंगफली का खेती है ये वाला भी। उन्होंने ये चीज़ हमको बताई, हमको तो एक्चुअली पता नहीं था, तो उनसे थोड़ा नॉलेज शेयर हुआ इसके लिए उन्होंने बताया। और उनके पास रॉटवीलर है, वो रॉटवीलर लेके जा रहे छोटा बेबी, तो वो हमको दिखाया थोड़ा, हम लोग उसे बात भी किए, फिर अभी और 35 किलोमीटर हमारे साथ रहेंगे वो, चलो अच्छा है। और बाकी आनंद और निखिल आगे गए तो सब डर खाना खाने के लिए हॉल्ट रहेगा अपना, तब तक अपने वो गाड़ी भगाना है। बाकी रास्ते की अगर बात करूँ यहाँ पे मैक्सिमम जो व्हीकल्स हमको दिख रही है सब ऊपर से चंडीगढ़ और ये सब साइड से आ रही है हरियाणा की तरफ से, तो रास्ता थोड़ा ख़राब है, जैसे गुजरात का रास्ता है वैसा रास्ता नहीं है यहाँ पे, तो रास्ते में थोड़ा है खड़बड़ी, थोड़ा पैचेस है रास्ते में नो डाउट, बट और रास्ता थोड़ा नैरो भी है, इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है ड्राइव करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे कोई कहाँ पे तुमको स्प्लिट नहीं है, सिंगल वे को ही इन लोग ने डिवाइड किया हुआ है, तो वो थोड़ा एक चीज़ अच्छा नहीं लगा यहाँ पे, रास्ता थोड़ा होना चाहिए अच्छा। मुंबई में मतलब महाराष्ट्र में भी ऐसे ही रास्ते रहते हैं, तो उसमें थोड़ा डिफिकल्टी आता है ड्राइव। A few moments later. मड़ो स्वामी थोड़ा रेस्ट किया, अभी लंच के लिए रुके हैं, ऑलमोस्ट अपना 200 किलोमीटर अप्रॉक्स अपन ने ड्राइव किया है अभी, और 200 किलोमीटर्स के बाद मतलब 200 किलोमीटर बहुत ज़्यादा लेट हो गया बिकॉज अपने को बारिश बहुत ज़्यादा मिला आते वक्त, तो इसके वजह से थोड़ा तकलीफ हुआ अपने को, बट एनीवेज अभी अपन मड़ो स्वामी पहुँच गए। यहाँ पे अभी थोड़ा फास्ट फूड कॉर्नर पे रुके हैं, यहाँ खाने हाउस खिलाने ना नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए मूव करेंगे अभी, उसके बाद अपन जो रुकेंगे या तो गुजरात बॉर्डर पे एक हॉल्ट करेंगे, वहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद अपन आगे डायरेक्टली उदयपुर में मिलेंगे। सो उसके बाद जैसे राजस्थान में पहुँचे वैसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा अपडेट देते रहूँगा, टिल देन अभी तक तो यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ पे बारिश नहीं है बट उसके पहले थोड़ा बारिश था, सो एज ऑफ नाउ तो सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, और अभी तीनों के तीनों राइडर्स अभी एकदम परफेक्टली सेफ है। सिर्फ अभी अपना लंच का प्लान है, लंच एक बार फिनिश करते हैं उसके बाद मिलते हैं। टाइम अपना गाड़ी का ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं हुआ गाड़ी, बट जो मुंबई से वडोदरा के पीरियड में जो गाड़ी की हालत ख़राब हो गई थी वो टाइम थोड़ा हालत खराब, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कीचड़ ज़्यादा था, ये टाइम यहाँ पे हम लोगों को इतना कीचड़ मिला नहीं, आप देख सकते हो परफेक्टली फाइन। और आनंद यहाँ पे बैठा है और यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किया हुआ है, फटाफट आइटम बने ऐसा आइटम हम लोगों ने ऑर्डर किया है। कैसा है यहाँ का रास्ता, कैसा है ये रास्ता? थोड़ा नॉर्मल है, इसे 6 लाइन मिल जाएगी। ओके ओके, दिल्ली तक का रास्ता एकदम क्लियर है एकदम। हम लोग का तो आज का हॉल्ट अजमेर तक का ही है, तो अजमेर में एक बार रुकते हैं उसके बाद बाकी दिल्ली का आगे रूट देखेंगे, बट यहाँ से अजमेर तक रास्ता एकदम खत्म, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। चलो आपका नाम? मेरा नाम अशोक कुमार है। तो भाई अशोक कुमार जी ने हमको थोड़ा रास्ते के बारे में अच्छा बताया और रास्ता गाइड किया है, तो उनके लिए थैंक यू सो मच उनको,
कि हम लोग को थोड़ा गाइडेंस देने के लिए, और यही हमको खाना खिलाने वाले हैं अभी। okay, थोड़ा अच्छा बना देना खाना। अच्छा, ये भाई बना रहे खाना हमारे लिए, यहाँ बैठते ना भाई। चलो गाइस अभी निकलते, सब हो गया ऑलमोस्ट डन अपना, यहाँ पे हम लोग रुके थे। चलो थैंक यू सो मच भाई लोग, मिलते। सो गाइस यू कैन सी दिस, दिस इज आर राजस्थान बॉर्डर का, जो गुजरात का बॉर्डर यहाँ पे खत्म होता है। सो आनंद और निखिलिया से चले गए आगे, उनको रुकने नहीं मिला, बट स्टिल आई एम हियर टू शो यू दिस बॉर्डर। सो ये बॉर्डर यहाँ पे खत्म होता है गुजरात का और राजस्थान का, यहाँ से यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ से अपना राजस्थान बॉर्डर शुरू हो गया है। सो वेलकम टू ऑल, चलो थैंक यू, सो वेलकम टू ऑल ऑन राजस्थान। राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। फाइनली बहुत खुशी मिल रही है अपने को राजस्थान में एंटर करके, और मज़ा तो बहुत आने वाला है, बिकॉज हर एक दिन में अपन अलग अलग स्टेट में घुस रहे, एंट्री कर रहे हैं, और उससे थोड़ा एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक हैप्पीनेस आती है जिसके लिए अपन ये सब करते हैं। वो खुशी है ना, खुशी, वो पल, वो मोमेंट, बस वो एंजॉय करना है। माँ कसम उदयपुर इतना आई शपथ। सी गाइस कितना गंदा वाला एक्सीडेंट हो गया है, बेकार वाला एक्सीडेंट हो गया है। वहाँ रे पेट्रोल गिरा हुआ पूरा, इधर स्मेल आ रहा है पेट्रोल का। अरे यार बारिश आ गया, गाइस आपको डरेगा, अभी उदयपुर मिलता हूँ मैं। चलो दिन कहाँ पे है महल अपना? ये अपने जगदीश चौक के आगे है महल, महाराणा प्रताप जी का महल है। अच्छा, कितना किलोमीटर तू भी यहाँ से होगा? कम से कम 1-1.5 किलोमीटर के अंदर है। अच्छा, और चाय के लिए अच्छा प्लेस कहाँ पे? यहाँ पे चाय के लिए मंगल चाय फेमस, उदयपुर की चाय, उदयपुर की चाय जोरदार, एकदम जोरदार मजा आ जाएगा ना। आपका नाम? प्रवीण मिश्रा नाम है। प्रवीण मिश्रा जी ने जोरदार वाला हमको चाय का ऑफर दिया, तो हम जाके चाय पीते हैं अभी। और आपका नाम? मोहम्मद अरमान। मोहम्मद अरमान, आपका भाई? मौलिक लोहार जी। थैंक यू सो मच, आके हम लोग यहाँ पे है ना, ये रास्ते पे। चलो मेरा चैनल देख लो, यहाँ पे पीछे लिखा है। अरे भाई दिखा दे नाम। और तुम्हारे स्कूल में जितने भी दोस्त लोग रहेंगे सबको बोल दो सब्सक्राइब करने कल। हाँ इंस्टाग्राम आईडी भी सेम है और यूट्यूब भी, कल तुम वीडियो में आओगे? चलो थैंक यू सो मच। स्पेस मत देना सर्च करने के टाइम, सर्च करोगे ना तब स्पेस मत देना, डायरेक्टली डालना और सर्च कर देना। चलो जोरदार लोकेशन। हाँ हाँ, एक नंबर लोकेशन। चाय पी के देखते फिर जाने का यहाँ पे। चलो मिलते, यहाँ से यूटर है ना ऐसा, यहाँ का दूध जोरदार है आगे का। चाय पी लेते आज ना, मलाई वाला दूध एकदम केसर पिस्ता डाल के। तो पहले चाय पीते फिर दूध देखते। चलो थैंक यू सो मच जी। कहाँ से आ रहे हैं? मुंबई से, गोरेगांव से हम लोग आए मुंबई से प्रॉपर, अभी जा रहे हैं लद्दाख। तो मोटा मोटी रहेगा, अभी इसी में हूँ थोड़ा बहुत। क्या बात कर रहे हो, आपका हेलमेट देख के मैं समझ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा कोशिश है जाने की। नहीं नहीं अच्छा, वो मिल गया आपको। क्या नाम बताया आपका? डीएसके राइडर और धर्मेश नाम है मेरा। सो डीएसके राइडर जी आपको हमको मिले उदयपुर में, धर्मेश जी नाम है इनका। इनके चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर दो और बहुत प्यार देना। डीएसके राइडर और प्रॉपर उदयपुर से ही हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी चीजें आपको देखने को मिल रही है मेरे चैनल पर, शानदार शानदार। नहीं नहीं ना, पक्का पक्का, अभी काफी एक्सप्लोर किया है, वैष्णो देवी तक अभी जाके आया हूँ। अच्छा अच्छा, फ्यूचर है वो लद्दाख वगैरह करने का भाई जी सब। अरे रे रे रे, नहीं हम लोग विश करेंगे आप जल्दी रिकवर करो, और गाइस इनके चैनल को विजिट कर देना। बहुत सारे लोग एक साथ मुलाकात हो गई, मतलब जो पूरा 100 किलोमीटर जो हमने स्ट्रेच किया था, 110 किलोमीटर पूरा वन शॉट स्ट्रेच किया था, उसका स्ट्रेस बस्टर था। मतलब उनको बात करके, उनके उनसे मिल के इतना मोटिवेशन मिला ना यार, एक नंबर मज़ा आ गया। ऐसे लोग मिलते हैं ना, मोटिवेट करते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। अभी उन्होंने रेकमेंड किया यहाँ पे एक मंगलदास की चाय,
जो बहुत फेमस है, उसी चाय को हम लोग ढूंढ रहे उदयपुर में, द सिटी ऑफ पैलेस उदयपुर। तो वो चाय पीते हैं और फिर आपको चाय भी मिलता है अभी। चलो गाइस, अभी अपन पहुंच गए मंगल चाय के यहाँ पे, जो बहुत स्पेशल चाय है, फेमस चाय है उदयपुर की। तो इस चाय की पहले टेस्ट लेते और बाकी बातें अपन चाय लेने के बाद करते। बाकी उदयपुर आप देख लो, द सिटी ऑफ पैलेस, एक नंबर, गजब है, गजब है। और यहाँ के लोग तो एक नंबर है, गजब है। इतने लोग मैंने प्यारे लोग नहीं देखे कहाँ पे भी, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे। मतलब एक आवाज़ पे, बिना पहचान के एक आवाज़ पे इतना लोग दिल खोल के बात करते, अच्छा लगा। और निखिल कैसा लगा पूरा वन वे 100-110 किलोमीटर खींच के? एक नंबर मजा आया ना यार। NH-48 कसम से मेरे को लगा नहीं था इतना मस्त रास्ता था। कितना मारा तुमने? तो भी मेरे ख्याल से 110 मारा रहेगा अपन ने। हाँ, 100 के ऊपर मारा शायद से, 100 के तो ऊपर मारा। हाँ, 110 मजा आ गया। बट अच्छा, चाय पीते उठाओ भाई, गाड़ी जाएगा ना। 2 hours later. So hi guys, अभी पहुंचे हम लोग होटल में थोड़ी देर पहले, 10-15 मिनट पहले सामान सब लोड कर दिया अभी होटल रूम पे, सबका बात भी करके हम फर्स्ट क्लास। तो अभी अपना थोड़ा काम चल रहा था डेटा, जो डेली अपना एक्टिविटी है डेटा मूवमेंट का। तो अभी SD कार्ड को फ्री कर रहा हूँ और हार्ड डिस्क में डेटा मूव कर रहा हूँ। बट आज एडिटिंग आई डोंट थिंक सो आज पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि कल भी 12:30 बज गए थे मुझे ऑलमोस्ट रेंडर करते करते। तो आज का सिचुएशन मुझे थोड़ा एडिटिंग लग नहीं रहा, आज हो पाएगा अपना एडिटिंग, बट स्टिल मैं ट्राई करता हूँ। अभी अभी डिनर के लिए हम लोग नीचे जा रहे हैं होटल पे, तो जैसे हम लोग नीचे जाते फिर वहाँ पे जाके आपको मिलता हूँ, फिर बात करता हूँ।